नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। भारत जैसे विशाल देश में आपको कई ऐसे मंदिर और मस्जिद मिलेंगे जिनकी बहुत मान्यता होती है, लेकिन वहीं कई ऐसे भी मंदिर और मस्जिद होते हैं जहां पर औरतों का जाना मना होता है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जिनमें पुरुषों का जाना मना होता है। आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर पुरुषों का जाना मना है। अगर पुरुषों को मंदिर में जाना होता है तो उन्हें महिलाओं की तरह सजना संवरना पड़ता है। केरल के कोल्लम जिले में कोतान कुलांगर देवी है, जो कि इस बात से मशहूर है क्योंकि वहां पर पुरुषों को जाना मना है। बता दें कि इस मंदिर की ऐसी प्रथा है कि जहां पर मंदिर में सिर्फ महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं। अगर इस मंदिर में पुरुषों को जाना है तो पहले उन्हें महिला की तरह पोशाक पहननी होगी, उसके बाद ही वो मंदिर में जा सकते हैं। इस मंदिर की एक और खास प्रथा है कि पुरुषों को सिर्फ पोशाक ही नहीं बल्कि उन महिलाओं की तरह सजना संवरना पड़ता है। बता दें कि कोतान कुलंगरा देवी मंदिर है जिसमें हर साल चाम्या विलुक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में हजारों की तादाद में पुरुष भक्त मंदिर में पूरी महिला की तरह मेकअप करके जाते हैं। जो पुरुष इस त्योहार का हिस्सा बनते हैं उन्हें मंदिर से ही पूरा मेकअप का सामान दिया जाता है। पुरुष के लिए साड़ी, गहने और मेकअप के लिए गजरा तक का पूरा सामान होता है। जब तक पुरुष ये 16 श्रृंगार न कर ले तब तक उन्हें मंदिर में ये त्योहार नहीं आने दिया जाता। इस मंदिर की एक ऐसी खास बात है कि इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर छत और कलश नहीं है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे और उसी दौरान पत्थर से खून आना शुरू हो गया था। उसके बाद से उसे देवी का स्थान मानकर वहाँ पर पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।